है जहां एक ओर कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा जहां 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, तो वहीं प्रदेश के साथ गरियाबंद जिले में भी भाजपा द्वारा अलग अलग धान खरीदी केंद्रों के सामने बैठकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार भोली भाली जनता और किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन देकर 2500 क्विंटल धान खरीदने का संकल्प कांग्रेस के नेताओं ने किया था, लेकिन अब 1835 रुपए में खरीदी कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा किया था कि हम 2500 में धान खरीदी करेंगे, वह एक तो अपना वादा को निभा नहीं पा रही है और पूरा दोगलाई किया जा रहा है कांग्रेस सरकार का द्वारा, भूपेश के द्वारा, कि जो अंतर की राशि जो देंगे वह स्पष्ट नहीं है कि वह अंतर की राशि कब देंगे, कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे। वो बोलते हैं कमेटी बनाए हुए हैं जी। इस ये सरकार कांग्रेस की जो निकम्मी सरकार है, वादा खिलाफी जो सरकार है, उनसे हम मांग करते हैं कि किसानों के उपज के सभी धान को खरीदी जाए। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर जो भूपेश बघेल ने घोषणा किया था उसको तत्काल किसानों, यह जो धरना प्रदर्शन है हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति है वहाँ उस सहकारी समिति धान जहाँ खरीद रहे हैं उनके सामने में हमारे मंडल उच्च राज्य